हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो ऑफ कोर्स दिवाली आ रही है, कुछ लुक तो करना बनता है। तो ये मैंने लुक क्रिएट किया है दिवाली के लिए। बिगनर्स के लिए आप जो भी हो कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो मैंने सबसे पहले अपने फेस को मॉइस्चराइज़ किया है एलोवेरा जेल से। देन 5 मिनट वेट करके उसके बाद मैंने प्राइमर लगाया, उससे भी 2 मिनट वेट करके। आपको तुरंत नहीं करना है, थोड़ी देर वेट करना है। फिर मैंने स्टिक वर्की का फाउंडेशन लगाया, उसे अपने हाथों से ब्लेंड करूँगी, उसके बाद ब्रश से ब्लेंड करूँगी। ब्लेंडिंग आपको बहुत अच्छे से करना है, आपको ज़्यादा लेयर अप्लाई नहीं करना है ताकि आपका फेस केकी ना लगे। बहुत अच्छे से आपको सब कुछ करना है। देन उसके बाद मैंने उसे कॉम्पैक्ट से सेट किया है। फिर मैं यहाँ पे एसक्यू की काजल लेकर के अपनी आईब्रोज को फिल इन करूँगी। उसके बाद मैंने ये आई शेडो पैलेट लिया है, उसमें से जो मैट शेड है 3, उसे मैं धीरे धीरे करके अपने आईलिड पे अप्लाई करूँगी। बहुत थोड़ा प्रोडक्ट लेकर के आपको अप्लाई करना है ताकि न्यूट्रल मुझे मेकअप चाहिए था। बिगनर्स ज़्यादा उतना करती नहीं है, मतलब उन पे वो ऐसे ही बहुत सुंदर लगती हैं, तो उन्हें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने हल्का आई शेडो लिया है, तीनों को धीरे धीरे मिक्स कर रही हूँ। फिर उसके बाद ये सिंपल न्यूट्रल आई लुक तैयार है। उसके बाद मैंने हल्का सा अपने ब्रोबन को हाईलाइट किया है, क्योंकि यार ब्रोबन हाईलाइट नहीं करोगे तो मेकअप अधूरा लगेगा, समझे ना, तो हाईलाइट ज़रूर कर लेना। फिर मैंने अपने लैश लाइन के क्लोज एक थिन लाइनर लगाया है। फिर मैं यहाँ पे अपने बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ पे अपने आईलैश में बिल्कुल भी मस्कारा नहीं लगा रही हूँ। एक मेरा खाली बॉन्ड था, थोड़ा जो इसका आईलाइनर लग जाता है उससे भी साफ़ कर रही हूँ। और यहाँ मैंने एक लिक्विड लिपस्टिक ली है रेड कलर की। जी हाँ, रेड कलर की लिक्विड लिपस्टिक आपको लेनी है। एक पेंसिल ब्रश लेना है और जो आपने थिन लाइनर लगाया था उसके क्लोज हल्का लगाइए, बहुत प्रिटी लुक आता है सीरियसली। हल्का सा ब्रश लगाया, एक पर्पल कलर का लेकर के लिपस्टिक मैंने अपने आउटलाइन की है। उसके बाद से जो हमारा लिपस्टिक बचा हुआ था हमारे आईलाइनर वाले पेंसिल ब्रश में, उसे मैंने लेकर के अपने लिप्स में फिल इन कर लिया, उससे भी अच्छा लुक आया। देन मैं यहाँ पे मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ, ब्लू हेवन का मस्कारा है। फिर हेयर स्टाइल के लिए मैंने एक पार्ट लिया अपने हेयर का, उसके जिग जैग पतली सी कुछ भी आपके पास कंघी होगी पतली सी, उसे लेके जिग जैग करके देखिए। अगर आपके बाल पतले हैं ना तो आप ये हेयर स्टाइल ज़रूर ट्राई करना, किसी भी फेस्टिवल में बहुत अच्छा लगता है। आपके बाल बाउंसी लगते हैं। अगर आपको ये लुक और मेरा एफर्ट अच्छा लगा हो, मुझसे भी गलतियाँ होती हैं, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मैं आपको मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।